राष्ट्र निर्माण की जो प्रवर्तमान अभियान है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं, उसका उद्देश्य एक ही है, हम सबके लिए जाति पंथ देश भूषा खान पान इन सबसे ऊपर उठ करके हम सब अपने देश के बारे में सोचे। मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए कार्य करना है, क्योंकि देश हमारे लिए पहले है और इस देश से हम सब कार्य करेंगे। मेरी साधना इसलिए वो देश के हित में लगे, मेरा वैभव इसलिए वो देश के हित में लगे। जिस दिन हर भारतवासी इस प्रकार के भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देगा, याद रखना भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, और हम सबको उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। धार्मिक आयोजन हम सबको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमारा शास्त्र तो यह कहता है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना, यानी धर्म से हीन जो व्यक्ति है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। धर्म केवल उपासना विधि नहीं है, धर्म जो हमको अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, धर्म वह एक शाश्वत व्यवस्था है। जिस शाश्वत व्यवस्था के माध्यम से हम लोग अनुशासन का पाठ पढ़ते हैं, सदाचार का पाठ पढ़ते हैं, कर्तव्य का पाठ पढ़ते हैं, इनसे जुड़े हुए जो नैतिक मूल्य हैं, कर्तव्य से सदाचार से जुड़े हुए जो मूल्य हैं, इनका जो समन्वय है वही वास्तव में धर्म है जो हमेशा शाश्वत रहता है। पंथ और संप्रदाय आएंगे जाएंगे, उपासना विधियां आएंगी जाएंगे, लेकिन धर्म हमेशा शाश्वत रहता है, सनातन रहता है। इसलिए हम कहते हैं सनातन धर्म इस सृष्टि का धर्म है, मानवता का धर्म है। जब तक सनातन धर्म है विश्व मानवता की कल्याण का मार्ग वह प्रशस्त करता रहेगा। अगर सनातन धर्म पर खतरा आएगा तो विश्व मानवता पर खतरा आएगा। इसलिए विश्व मानवता को बचाना है तो सनातन धर्म को बचाना होगा, और सनातन धर्म का मूल यज्ञ है, ये ऋषि मुनियों की साधना है, जो साधना कई वर्षों तक पवित्र नर्मदा नदी के तट पर साधनारत रह करके पूज्य स्वामी सर्वमुखानंद पुरी जी महाराज ने साधना की, उस साधना का प्रसाद सिद्धि के रूप में आज राजराजेश्वरी आश्रम और मंदिर के रूप में हम सबके सामने यहां पर इस रूप में देखने को मिल रहा है। यानी एक नई कड़ी और एक नई मणि इस नेमिष क्षेत्र में जुड़ने जा रहा है राजराजेश्वरी मंदिर और आश्रम के रूप में।